का इस्लाम को बदनाम करने के लिए कि वो अक्सर हदीस और कुरान में से आयतों का हवाला बिल्कुल सिया के खिलाफ देता है, यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देता है। और एक आयत बार बार मीडिया में दोहराई जाती है, वो है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, जिसको लेकर मीडिया कहता है कि इसमें लिखा है कि जहां भी तुम काफिरों को पाओ उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 पढ़ेंगे, तो सचमुच यही लिखा है, फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कि कत्ल करो मुशरिकों का जहां भी तुम उन्हें पाओ। लेकिन ये आयत पसे मंजर के खिलाफ है, यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अगर आपको इस्लाम का पैगाम जानना है तो पहले पसे मंजर पढ़ना पड़ेगा। जब हम सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 का पसे मंजर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मक्के के मुशरिकों और मुसलमानों के बीच एक सुलह थी, एक समझौते का जिक्र था, और इस सुलह को मुशरिकों ने तोड़ दिया था। तो अल्लाह सुबहान व तआला आयत नंबर 5 में उन मुशरिकों को खबरदार करते हैं कि 4 महीनों में सुधर जाओ वरना ऐलाने जंग। तो इसी सियाक में तो अल्लाह सुबहान व तआला कहते हैं कि जहां भी तुम काफिरों को पाओ या दुश्मनों को पाओ मैदान जंग में उनका कत्ल करो। तो यह आयत मैदान जंग की है, आम की नहीं। मिसाल के तौर पर अमेरिका और वियतनाम के बीच एक जंग चल रही है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका का आर्मी जनरल अपने सिपाहियों से यही कहेगा, वो यही नहीं कहेगा कि डर जाओ या भाग जाओ, वो यही कहेगा कि जहां भी तुम वियतनामी या दुश्मनों को पाओ उनका कत्ल करो। इसी सियाक में तो अल्लाह सुबहान व तआला कहता है कि जहां भी तुम काफिरों को या दुश्मनों को पाओ मैदान जंग में उनका कत्ल करो। लेकिन अक्सर दुश्मनान इस्लाम इसे समझ नहीं पाते। मीडिया का तीसरा तरीका इस्लाम को बदनाम करने के लिए, ये मीडिया कुरान और हदीस में से कुछ अल्फाज लेता है, उसका गलत तर्जुमा करता है और इस्लाम को बदनाम करता है। और एक लफ्ज जो बार बार मीडिया दोहराता है जिसके वजह से इस्लाम को बदनाम करता है, वो है लफ्ज जिहाद, और उसे ऐसा पेश करता है कि जिहाद का माने गलत ही हो जाता है। मीडिया कहता है कि जिहाद का माने जब भी कोई भी मुसलमान किसी भी वजह के लिए जंग करता है उसे जिहाद कहते हैं, चाहे वो माली वजह के लिए हो, ताकत के लिए हो, इलाके के लिए हो या जाती वजह के लिए हो, उसे जिहाद कहते हैं। और ये गलत फहमी सिर्फ गैर मुस्लिमों में नहीं बल्कि कई मुसलमानों में भी है कि वो भी यही समझते हैं कि जब भी कोई मुसलमान किसी भी वजह के लिए जंग करता है उसे जिहाद कहते हैं। और ये जिहाद का माना बिल्कुल नहीं है। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसका माना है जिद्दोजहद करना। इस्लामी शरीयत में जब एक इंसान अपने नफ्स के खिलाफ अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अमल करने के लिए जिद्दोजहद करता है उसे जिहाद कहते हैं, और वो सबसे अफजल जिहाद है। और हम देखते हैं कि वही शख्स, वही एक शख्स, वही काम, लेकिन उस शख्स को दो अलकाब या दो लेबल दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर 60-70 साल पहले जब इस देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और कई हिंदुस्तानी अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेज उन लोगों को दहशतगर्द कहते थे, टेररिस्ट कहते थे, लेकिन हम हिंदुस्तानी उन लोगों को देशभक्त कहते थे। वही लोग, वही काम, लेकिन दो अलकाब। अगर आप अंग्रेजों की नजरिए से मुत्तफिक है कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का हक था, तो आप उन लोगों को दहशतगर्द कहेंगे। लेकिन अगर आप हम हिंदुस्तानियों के नजरिए से मुत्तफिक है कि अंग्रेज हिंदुस्तान में तिजारत के लिए आए थे, उनको हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं, तो आप उन लोगों को देशभक्त कहेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लकब देने से पहले जांच करिए कि किस वजह से वो शख्स जिद्दोजहद करता है। एक दूसरी मिसाल, हम जानते हैं कि 18वीं सदी के आखिरी में जब अमेरिका में एक रेवोल्यूशन था और ब्रिटिश अमेरिका पर हुकूमत कर रही थी, तो कई अमरीकी अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो उन लोगों को वो ब्रिटिश दहशतगर्द कहते थे। और उनमें से अव्वल नंबर जो था वो था जॉर्ज वॉशिंगटन बेंजामिन फ्रैंकलिन, और उस हुकूमत के नजदीक जॉर्ज वॉशिंगटन टेररिस्ट नंबर 1 था। जब अमेरिका को आजादी मिलती है तो जॉर्ज वॉशिंगटन टेररिस्ट नंबर 1 यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है। गौर कीजिए, दहशतगर्द नंबर 1, टेररिस्ट नंबर 1 यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है। और इसे कई मिसालें पेश कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं जब साउथ अफ्रीका में गोरों की हुकूमत थी या अपार्टाइड सिस्टम था, तो इस अपार्टाइड सिस्टम ने नेल्सन मंडेला को 25 साल रॉबिन आइलैंड में कैद किया था, और उस हुकूमत के नजदीक नेल्सन मंडेला दहशतगर्द नंबर 1 था। जब अपार्टाइड सिस्टम खत्म होता है
तो नेल्सन मंडेला को रिहा किया जाता है और नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। गौर कीजिए, दहशतगर्द नंबर वन जो 25 साल रॉबिन आइलैंड में कैद किया गया था उसे ही नोबेल प्राइज दिया जाता है। ऐसा भी नहीं कि पहले कुछ बुरा था फिर अच्छा बना, नहीं, वही काम के लिए जिसके लिए उसे कैद किया गया वही काम के लिए उसे नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। तो हमें यह पता चलता है कि हम देखते हैं कि ताकत किसके पास है, और जब भी कोई ताकतवर किसी पर लेबल लगा देता है, लकब लगा देता है, वो लकब उस पर चिपक जाता है। लेकिन इस्लाम में ताकतवर हमेशा सही नहीं, हक हमेशा सही है। चाहे वो अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, राजा हो या फकीर, अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक व जहकल बातिल इनल बातिल काना जहूका, और ऐलान कर दीजिए कि हक आ चुका है और बातिल नाबूद हो गया है, यकीनन बातिल था नाबूद होने वाला। मीडिया का चौथा तरीका इस्लाम को बदनाम करने के लिए, जिसे हम कहेंगे डबल स्टैंडर्ड, या उर्दू लफ्ज में हम कहेंगे दोहरा मियार या दोगलापन। जब एक मुस्लिम खातून हिजाब करती है तो मीडिया कहता है कि मुसलमान उस पर जुल्म कर रहे, इस्लाम उस पर जुल्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पर्दा करती है। जब दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ईसाई खातून वो भी पर्दा करती है, वो भी अपना सर ढकती है, पर उसे कहा जाता है वाह कितनी मॉडेस्ट है। क्यों दोहरा मियार? जब एक मुसलमान पर्दा करती है, हिजाब करती है, तो इस्लाम जुल्म कर रहा है, और जब एक ईसाई खातून पर्दा करती है वो भी हिजाब करती है तो कहा जाता है कितनी महजिबा है, कितनी सहिस्ता है, कितनी मॉडेस्ट है। क्यों डबल स्टैंडर्ड? जब एक मुसलमान दाढ़ी और टोपी पहनता है तो कहा जाता है कि दहशतगर्द है, ये दाढ़ी और टोपी वाला दहशतगर्द है, टेररिस्ट है। और दूसरी तरफ जब एक सिख वो भी दाढ़ी और पगड़ी पहनता है तो कहा जाता है वाह कितना मजहबी इंसान है, अपने मजहब को कितना पालन करता है। क्यों डबल स्टैंडर्ड? जब एक मुस्लिम दाढ़ी और टोपी पहनता है तो दहशतगर्द, और एक सिख दाढ़ी और पगड़ी पहनता है तो मजहबी इंसान। क्यों डबल स्टैंडर्ड? और हम अक्सर देखते हैं कि न्यूज़पेपर में आता है फ्रंट पेज पे कि हैदराबाद में एक 50 साल के अरब ने एक 18 साल की लड़की के साथ शादी की, फ्रंट पेज पे आता है। और दूसरे तरफ जब एक 50 साल का गैर मुस्लिम एक 8 साल की लड़की का जिना बिल जबर करता है तो न्यूज ब्रीफ में, वो भी अंदर के पेज में। जब एक 18 साल की लड़की अपने मर्जी से एक 50 साल के आदमी के साथ शादी करती है तो फ्रंट पेज पे बवाल होता है इस बात का। और दूसरी तरफ जब एक 50 साल का गैर मुस्लिम जिना बिल जबर करता है न्यूज ब्रीफ में। और ऐसी कई मिसालें पेश कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कहते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म, मुस्लिम टेररिस्ट, और हम जानते हैं कि दो अपोजिट एक साथ नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं द आइस हैज कॉट ऑन फायर, बर्फ पर आग लग गई है, यह मुमकिन ही नहीं, बर्फ में आग लग ही नहीं सकती। या मैं कहूं चार कोने वाला मुसल्लस या फोर साइडेड ट्रायंगल, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्रायंगल को सिर्फ तीन साइड होते हैं। इसी तरह इस्लामिक टेररिज्म, इस्लाम का माना है अमन और टेररिस्ट का माना है अमन के खिलाफ, इस्लामिक टेररिज्म हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है वो कुछ इस्लाम के खिलाफ करता है तो उसे हम मुस्लिम टेररिस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि वो इस्लाम से भटक गया है, वो इस्लाम नहीं है क्योंकि वो बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि क्रिश्चियन में भी दो ग्रुप है, एक कैथलिक और एक प्रोटेस्टेंट। लेकिन कैथलिक लोगों को कभी कहा नहीं जाता कि ये कैथलिक टेररिस्ट है या क्रिश्चियन टेररिस्ट है। इन्हें IRA आयरिश रिपब्लिकन आर्मी कहा जाता है, इन्हें इलाके की बुनियाद पर जाना जाता है, मजहबी बुनियाद पर नहीं। हम तमिल टाइगर्स को जानते हैं LTTE लिबरेशन तमिल टाइगर्स ऑफ एलम, इनको कभी हिंदू टेररिस्ट नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। हम आसाम के उल्फा को जानते हैं ULFA यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, ये खुसूसन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो खुसूसन मुसलमानों को कत्ल करती है, लेकिन इन्हें कभी हिंदू टेररिस्ट नहीं कहा जाता। और जब एक मुसलमान पकड़ा जाता है तो कहा जाता है कि मुस्लिम टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिज्म। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि 16 अप्रैल 1995 में जब USA में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ओक्लाहोमा बॉम्ब ब्लास्ट, जो USA का सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट था, तो पहले न्यूज आती है कि मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी लगातार हफ्तों तक। और जब बाद में पता चलता है कि दो अमरीकियों ने ही किया था, टॉम एंड टेरी, तो न्यूज ब्रीफ में बस एक बार आता है बस खलास।
पूरा हफ्ते हर रोज आता था, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी। फिर पता चला कि मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बस एक बार आता है। और ये मिसाल हम मुंबई में भी पा सकते हैं। जब मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो प्राइम सस्पेक्ट मुस्लिम, शक के दायरे में सबसे ज्यादा मुसलमान थे। और मीडिया हेडलाइंस देती है कि सुभान कुरैशी इज अ मास्टरमाइंड ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट। और मीडिया ये दिखाती है कि पुलिस कहती है कि सुभान कुरैशी इज द मास्टरमाइंड ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, लेकिन जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि पुलिस ने कभी कहा ही नहीं कि सुभान कुरैशी इज द मास्टरमाइंड। ये तो मीडिया का क्रिएशन है, मीडिया का फलसफा है। इसलिए अगर कुछ भी न्यूज मीडिया देती है तो हमें उसे चेक करना चाहिए, क्योंकि मीडिया पुलिस के खिलाफ भी कह सकती है। अगर मीडिया पुलिस के खिलाफ कहकर भी बच सकती है तो हम आम हिंदुस्तानी क्या कर सकते हैं उसके बारे में। जब लगातार हफ्तों तक जब मीडिया इस्लाम की धज्जियां उड़ाता गया कि मुसलमान ने बॉम्ब ब्लास्ट किया, जब पता चलता है कि सुभान कुरैशी इनोसेंट है तो बस एक बार आता है सुभान कुरैशी इनोसेंट, फिर गायब, उसका नामो निशान नहीं। मीडिया का पांचवा तरीका इस्लाम को बदनाम करने के लिए कि जो शख्स इस्लाम के खिलाफ बोलता है ये मीडिया उसे उछालती है, उसे बढ़ावा देती है। और हमारे पास सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन के जैसे मिसाल हैं। हम जानते हैं कि सलमान रुश्दी को मीडिया ने इतना उछाला कि वो रातों रात करोड़पति बन गया। क्यों? क्योंकि उसने एक किताब लिखी, सेटेनिक वर्सेस, शैतानी आयात। इस किताब में उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ लिखा, तो मीडिया ने उसे इतना उछाला को रातों रात अरबोंपति बन गया। इस किताब के पहले उसे सिर्फ चंद लोग जानते थे, लेकिन इस किताब के बाद पूरी दुनिया जानने लगी। जैसे तस्लीमा नसरीन, उसने भी एक किताब लिखी लज्जा, इस्लाम के खिलाफ। मीडिया को बैन करने के बदले मीडिया उसे पना भी देती है और उसको मीडिया उछालती भी है। मीडिया का छठा तरीका इस्लाम को बदनाम करने के लिए कि जो मुसलमान विद्वान है या नॉलेजेबल है या साइंटिस्ट है तो ये मीडिया उसे मुसलमान बताती ही नहीं। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि 8वीं से 12वीं सदी तक इसे अंधेरे का दौर कहा जाता है, यानी डार्क एजेस। किस लिए डार्क एजेस? किसके लिए? ये यूरोपियन और अंग्रेजों के लिए डार्क एजेस था। और किस वजह से? क्योंकि इस दौर में अरब साइंटिस्ट ने इतनी कम तहकीक के बावजूद इतनी साइंटिफिक डिस्कवरीज की थी कि वो उन्हें अजीम समझते थे। हम अपने किताब में उस्ता के अरस्तु, या इंग्लिश में कहेंगे एरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट, में एक अंग्रेज का नाम सुनते हैं, अविसीना। ये अविसीना अंग्रेजों का बनाया हुआ नाम है, असल नाम है अली इब्ने सीना। कौन समझेगा कि अविसीना एक मुसलमान था? हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं गबर, गबर करके एक साइंटिस्ट का, वो गबर नहीं जाबिर था, जाबिर, जाबिर इब्ने हय्यान। कौन समझेगा कि गबर एक मुसलमान था? हम ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ते हैं एक विलियम हावी साइंटिस्ट का नाम, जिसने इजाद की थी ब्लड सर्कुलेशन। लेकिन विलियम हावी से 400 साल पहले इब्ने नफीस ने ब्लड सर्कुलेशन की इजाद की थी, और इब्ने नफीस से 600 साल पहले ब्लड सर्कुलेशन कुरान मजीद में आता है। तो ये मीडिया क्या करती है कि जो मुसलमान विद्वान है, बासलाहियत है, नॉलेजेबल है, तो ये उन्हें छुपाने की कोशिश करती है और मुसलमान बताती ही नहीं है। तो ये थे कुछ हथकंडे जो मैंने आपके सामने मीडिया के पेश किए। ये हम सब भी जानते हैं कि मीडिया से अच्छे भी काम किए जा सकते हैं और बुरे भी काम किए जा सकते हैं, पर हमें इसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं करते। लेकिन दुश्मनान इस्लाम, इस्लाम के खिलाफ इस मीडिया को पूरा इस्तेमाल करते हैं। और कई शुयूख, कई उलमा कहते हैं कि मीडिया से बचो, और मैं उनके साथ हूं, मीडिया से बचना चाहिए। और आजकल सबसे ज्यादा मशहूर मीडिया जो है वो है टेलीविजन, और टेलीविजन में अच्छाई भी है और बुराई भी, लेकिन बुराई ज्यादा है। आज की तहकीक ये कहती है कि 20,000 से ज्यादा टेलीविजन चैनल है जिसके बजट $400 बिलियन है, और अमेरिका में सिर्फ 2,000 चैनल है जिसमें से 100 ईसाई चैनल है। पूरे दुनिया में आपको सैकड़ों ईसाई चैनल मिलेंगे, सैकड़ों हिंदू चैनल मिलेंगे और सैकड़ों जैन चैनल मिलेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने मुसलमान चैनल है, कितने मुस्लिम चैनल है? हमको तस्लीम करना पड़ेगा कि 99% टेलीविजन हराम है, क्योंकि इसमें उरियानियत है या पोर्नोग्राफी है जो इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम में हराम है। मेरे ख्याल से
और तहकीक के बाद पता चलता है कि 50 इस्लामिक चैनल भी नहीं रहेंगे, जिनमें से 30 अरबी चैनल है, दावते नहीं लेकिन अरबों के इस्लाह के लिए। मेरे ख्याल से 10 से 15 इस्लामिक चैनल रहेंगे जो गैर अरबी जबान में दावत का काम कर रहे हैं। देखिए हम इस मीडिया के फील्ड में कितना पीछे है। हमें भी इस्लाम को तबलीग करने के लिए मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया इस्लाम के खिलाफ एक जंग छेड़ चुका है। इसी के साथ मैं अपने तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ सूरह हुजरात से, सूरा नंबर 49 वर्स नंबर 6 से, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेके आता है तो उसकी खूब जांच करो। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।